अगर राहु आपकी कुंडली में 12वें घर में प्लेस्ड है, ये 3 मिनट की वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा राहु आपको कैसे रिजल्ट्स देगा। वी विल कवर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, राहु आपको किस तरह के रिजल्ट्स देने वाला है, कैसे आप पहचानेंगे। जस्ट बाय नोइंग द हाउस आप ये नहीं पहचान सकते कि राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट दिस। सेकेंड, वी विल लर्न कि राहु जब पॉजिटिव या नेगेटिव आपने पहचान लिया, आप ये कैसे पहचानेंगे बाकी घरों पे क्या इम्पैक्ट डालेगा अकॉर्डिंग टू इट्स आस्पेक्ट्स, जिसको हम दृष्टि भी बोलते हैं। थर्ड, कि राहु की आप जो आपने दोनों चीज़ें देख ली, रेमेडीज करनी चाहिए या एनहेंसमेंट करनी चाहिए, और क्या रेमेडीज या क्या एनहेंसमेंट आप करेंगे ये भी। तो राहु इन 12th हाउस, दैट मीन्स राहु आपका यहाँ पे प्लेस्ड है, इस बारे में ये वीडियो है। नाउ नंबर वन रूल, जब आप राहु की कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं, नंबर वन रूल, राहु वो ही रिजल्ट्स देगा जो प्लेनेट राहु के साथ कंजंक्ट है उसके जो रिजल्ट्स हैं। दैट मींस राहु के साथ सूर्य कंजंक्ट होगा, राहु सूर्य के रिजल्ट्स देगा। शनि कंजंक्ट होगा, राहु शनि के रिजल्ट्स देगा। वीनस कंजंक्ट होगा, वीनस के रिजल्ट्स देगा। जो भी प्लेनेट, मंगल, मर्क्यूरी, जो भी प्लेनेट राहु के साथ कंजंक्ट होगा, राहु उसी के ही रिजल्ट्स देने वाला है आपको। दिस इज द नंबर वन रूल। सो फर्स्ट चीज आपने ये देखनी है, 12th हाउस में राहु तो बैठ गया, कौन से प्लेनेट के साथ बैठा है, क्या अकेला बैठा है। अकेला बैठा है तो हम आगे चलेंगे, अगर अकेला नहीं बैठा, कौन से प्लेनेट के साथ बैठा है, जिस प्लेनेट के साथ कंजंक्ट है उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर वो जो प्लेनेट कंजंक्ट राहु के साथ है वो नीच का हो जाए, राहु आपको गलत रिजल्ट्स देगा। अगर वो जो प्लेनेट है वो एनिमी राशि में हो जाए, दैट मीन्स सपोज करिए यहां पे राहु के साथ सूर्य कंजंक्ट होता और सूर्य 7 नंबर में होता, तो अब ये राहु आपका नेगेटिव है, ठीक है। दूसरी चीज, जब राहु के साथ 2 से 3 से 4 प्लेनेट कंजंक्ट आपस में एक साथ हो जाए, दैट मीन्स यहीं पे मंगल बैठ गया, यहीं पे मर्करी बैठ गया, यहीं पे वीनस बैठ गया, देन यू विल सी इनमें से सबसे पावरफुल कंजंक्शन कौन सी है। इनमें से जो 4 प्लेनेट्स जो बैठे हुए हैं, सूर्य, वीनस, मंगल, मर्क्यूरी, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो राहु के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, वो रिजल्ट्स राहु ज्यादा देगा। एक और रूल यहाँ पे ये है, क्योंकि हमने सूर्य की बात कर ली, जब राहु सूर्य के साथ कंजंक्ट होता है, एक पॉजिटिव चीज ये होती है, सूर्य की एनर्जी को डाउन कर देगा, तो सूर्य की जो पावर है टू मेक अदर प्लैनेट्स कंबस्ट वो कम हो जाती है। तो वैसे हम 10 डिग्री 10-11 डिग्री पे लेते हैं कि कंबस्ट रहेगा, 10-11 डिग्री के डिफरेंस पे अगर सूर्य के साथ कोई है, बट जब राहु आ जाए आप ले लीजिए 7-8 डिग्रीज। अगर कोई प्लेनेट 9 डिग्री अपार्ट है और राहु सूर्य के साथ है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड कंबस्ट। तो एक पॉजिटिव चीज ये हो जाती है। अब आपने फर्स्ट स्टेप ये देखा कि भाई राहु जिस प्लेनेट के साथ कंजंक्ट है उसी के रिजल्ट्स देगा, ठीक है, उसमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल कंजंक्शन होगी उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले। लेट सपोज नाउ कि राहु इज अलोन, दैट मीन्स राहु 12th हाउस में आपके अकेला बैठा है। अब क्या होगा, आप इसका जो राशि का लॉर्ड है, अब राहु के लिए वैसे वैसे देखा जाए तो 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर, इनफैक्ट 10-11 नंबर राशि भी बहुत अच्छी मानी जाती है, और साथ में 7 नंबर राशि भी। बट राशि से सिर्फ ये रिजल्ट्स हम नहीं देख सकते, रिजल्ट्स देखने के लिए हमें राशि के लॉर्ड को चेक करना है। लेट सपोज 2 नंबर राशि में बैठा है राहु, तो आप देखेंगे वीनस की स्थिति में है। अगर वीनस ही आपकी कुंडली में नीच का हो गया, यानी कि जिस राशि में राहु बैठा है उसका जो लॉर्ड है वो नीच का हो गया, राहु विल गिव नेगेटिव रिजल्ट्स, ठीक है। आपने ये पहचान लिया, कंजंक्शन हुई तो कंजंक्शन से, नहीं तो राशि लॉर्ड से हमने पहचान लिया कि राहु के क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एक और चीज हमने छोटी सी मिस करी कि राहु के आप ऊपर देखिए कि कोई एस्पेक्ट्स हैं, राहु के ऊपर दृष्टियां डाल रहे हैं प्लैनेट्स। अगर गुरु या फिर वीनस, जुपिटर या वीनस जैसे प्लैनेट्स राहु पे एस्पेक्ट डाल रहे होंगे, राहु का रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि यहां पे राहु थोड़ा अच्छा बन जाता है, गुड बॉय बन जाता है, आप ये समझिए। फिर आपने देखना है, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू द स्टेप नंबर 2, जहां पे आप देखेंगे राहु के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। नाउ आई कंसिडर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ राहु, पीपल कैन डिसएग्री। फर्स्ट एस्पेक्ट इज राहु से काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5, 12th हाउस से राहु आपके 4th हाउस में इंपैक्ट डालेगा, फिर 6, 7, 8, 9 इस घर पे इंपैक्ट डालेगा, 8th हाउस पे 10, 11, 12 और 12th पे डालेगा। मेरे अकॉर्डिंग 5th, 9th और 12th एस्पेक्ट्स होते हैं, कई लोग 7th एस्पेक्ट लिखते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे डू विद 7th एस्पेक्ट, बिकॉज 7th पे हमेशा केतु बैठा होगा, इट देयर विल ऑलवेज बी डिटैचमेंट, तो 7th एस्पेक्ट लेने का कोई फायदा नहीं है। 5th, 7th, 9th and 12th एस्पेक्ट लेंगे आप। अब 4th हाउस पे जो इम्पैक्ट डाल रहा है ना, देखिए अगर हमारा राहु नेगेटिव है, 4th हाउस में इम्पैक्ट जब राहु नेगेटिव वाला डाल रहा है, बहुत गंदा घर का माहौल बना देता है, घर के माहौल में हमेशा टेंशन भरी रहेंगी। दूसरी, क्योंकि अब
एट्थ हाउस पे भी इंपैक्ट डाल रहा है, नेगेटिव हो गया था वो अगर, तो हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दे देगा, आपकी बीमारियां लगी ही रहेंगी। अगर यही रहा वो पॉजिटिव हो जाए, फोर्थ हाउस में इंपैक्ट डाल रहा है, हो सकता है बहुत बड़ा घर दे दे, महलों जैसा घर दे दे, और एट्थ हाउस में डल रहा है बहुत बड़ी लाइफ दे दे आपको। इसी तरह से ये राहु इलेवेंथ हाउस पे भी एस्पेक्ट डल रहा है, नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तब होगा जब राहु नेगेटिव है, तो जो डेली इनकम है बहुत कम हो जाएगी। यही राहु अगर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एस्पेक्ट डल रहा है, डेली इनकम कमाने का आपको बहुत जोश चढ़ जाएगा। अब पॉजिटिव या नेगेटिव की वजह से आप ये डिसाइड करेंगे कि राहु की रेमेडीज करनी चाहिए, एनहेंसमेंट करनी चाहिए। एनहेंसमेंट करनी है तो आप एक नंबर वन रूल याद रखिए, गुमेज स्टोन से बड़ी एनहेंसमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप रेगुलरली और कोई रेमेडी करेंगे ही नहीं। तो सबसे बेस्ट है गुमेज स्टोन बाय करिए फ्रॉम माय वेबसाइट astroindia.com। नेक्स्ट, अगर आपने रेमेडीज करनी है राहु की, तो राहु क्या दर्शाता है, देखिए सिर दर्शाता है, है ना, नारियल हम आपके सिर के साथ कंपेयर करते हैं, नारियल का दान देना, नारियल पानी में बहा देना, ऐसी सारी रेमेडीज आप कर सकते हैं, बट ये भी ना आज की जो जनता है वो नहीं कर पाती। आप एक चीज और कर सकते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस हमारी फॉरेन लैंड्स का अकेले रहने का घर माना जाता है, एक आप जनरल रेमेडी ये कर सकते हैं, ज़्यादा अकेले अपने आप ही रह लीजिए, जेल जाने से अच्छा खुद ही अपना थोड़ा सा टाइम हर रोज अकेले बिताइए, ताकि राहु का जो मेन इंपैक्ट है वो आपको मिल ही जाए। राहु जब 12वें घर में नेगेटिव हो जाए ना, बहुत कॉमन रिजल्ट्स आपको देता है। फर्स्ट, आपको बहुत लेजी बना देगा, प्रोकास्टिनेशन की यानी कि चीज़ें डिले कर देगी आपको बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाएगी। थर्ड, आपको टाइम वेस्ट करना आपकी आदत बन जाएगी, यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि कोई आप ऐसा काम नहीं कर रहे जिसको आपको फायदा हो रहा है, ट्वेल्थ आस्पेक्ट यहाँ जा रहा है ना, तो कोई फायदे वाला काम आप कर ही नहीं पाएंगे। फिर आपके घर के माहौल में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ देगा, और ट्वेल्थ हाउस का अगर नेगेटिव राहु है ना, ये जेल टाइम भी देता ही देता है, जेल या फिर हॉस्पिटल टाइम आपको देता ही देता है। तो इससे बचने के लिए आप जेल का खाना खुद ही खा सकते हैं, हॉस्पिटल जाके खुद ही खाना खाइए हर महीने में एक दो बार, उससे ये रेमेडी मानी जाती है। फिर देखिए, राहु जब ट्वेल्थ हाउस में यहाँ बैठा है, तो क्योंकि हमने डिस्कस किया कि इसकी नाइन्थ एस्पेक्ट आपके एट्थ हाउस पे भी पड़ रही है, जो कि लॉन्जिविटी का, आपकी हेल्थ केयर का, हिडन चीज़ों का घर माना जाता है। अगर ये राहु पॉजिटिव है ना, आपको लॉटरीज लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। पॉजिटिव कैसे गिनेंगे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। दूसरी, अगर ये नेगेटिव है, आपकी हेल्थ बहुत डाउन हो जाएगी, लॉसेज होने के, शेयर मार्केट में ट्रेड करेंगे लॉसेज होने के ज़्यादा चांसेस बना रहता है ये राहु यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस में बैठ के। अब देखिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि राहु का जो ट्वेल्थ एस्पेक्ट है वो 11th हाउस पे पड़ रहा है, तो अगर राहु नेगेटिवली 11th हाउस पे एस्पेक्ट दे रहा है, आपकी डेली इनकम जीरो कर देगा, पैसे कमा ही नहीं पाएंगे, जितनी मर्जी मेहनत करेंगे पैसे नहीं आएंगे। अगर पॉजिटिव होगा यही राहु, पॉजिटिव कंजंक्शन में पॉजिटिव एस्पेक्ट बढ़ रहे हैं, तो डेली इनकम कमाने का आपको एक्सपर्ट बना देगा, आपको हर रोज मन करेगा मैं हर रोज पैसे कमाऊं, हर रोज लाखों में पैसे कमाऊं। ये ऐसा राहु है जो कि बहुत खुराफाती भी माना जाता है। और साथ के साथ देखिए, ट्वेल्थ हाउस में राहु क्योंकि फॉरेन लैंड्स दर्शाता है, फॉरेन लैंड्स हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं, जो अकेला टाइम बिताते हैं, अलोन टाइम, वो हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। अगर ये नेगेटिव राहु होगा ना, आप नशे में भी लग सकते हैं, नशे की आदत जिन लोगों को पड़ जाती है ट्वेल्थ हाउस में नेगेटिव राहु होता है। अगर ट्वेल्थ हाउस में पॉजिटिव राहु होगा, ऐसे लोगों को सक्सेस की आदत पड़ जाती है, हर रोज पैसे कमाने की आदत पड़ जाती है। इस तरह से आप राहु के रिजल्ट्स पहचान सकते हैं। क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में राहु फिफ्थ एस्पेक्ट आपके, जैसे हमने डिस्कस किया, फोर्थ हाउस पे डाल रहा है, ये मैरिड लाइफ को भी खराब कर सकते हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आप ये कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा करिए, जिसमें गणेश जी ने अपने पेट के आसपास सांप बांधा हुआ है, उन गणेश की आइडल की आप अपने बेडरूम में ही लगा लीजिए, या अपने घर में रोज पूजा करनी स्टार्ट करिए, मैरिज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ट्वेल्थ हाउस का राहु जो है, वो क्योंकि फिफ्थ एस्पेक्ट फिर से हमारे फोर्थ हाउस पे डाल रहा है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी आएंगी, घर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब इसमें भी हो गया। एक तो हेल्थ इश्यूज सारे घर वालों को हो गई, हर घर में एक बीमारी किसी को जाती है, दूसरे को बीमारी आ जाती है, अगर ऐसा आपका माहौल बन रहा है। स्लीपिंग आइडल ऑफ विष्णु, जिसमें विष्णु जी लेटे हुए हैं और शेषनाग उनके ऊपर है, उनकी पूजा अपने घर में हर फैमिली मेंबर से करवाइए। क्योंकि देखिए, फिफ्थ एस्पेक्ट यहाँ पे खतरनाक है अगर ये राहु नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे होगा, जब इसके साथ कंजंक्शन नेगेटिव हो जाएगी, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो आप ये रेमेडी उस केस में कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ट्वेल्थ हाउस में ही राहु बैठा है, नेगेटिव स्थिति में बैठा है, अगर हमें पता है, जो हमने फर्स्ट थ्री स्टेप्स कर लिए, अगर आपने बड़ी वीडियो देखी आपको पता होगा क्या स्टेप्स है, नहीं देखी तो अभी देखिए। तो ये जेल टाइम या हॉस्पिटल टाइम देता है, उससे बचने के लिए आप नारियल का 12 नारियल लीजिए, खोपे वाले जिसमें पानी होता है, वो आप जल प्रवाह करके आइए अपने नाम पे, अपने आप, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप खुद नहीं कर सकते, आपको जेल हो चुकी है, देन योर मदर कैन डू इट।
सो ये रेमेडी हो गई जेल टाइम या फिर हॉस्पिटल टाइम की। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जो कि आपको मोस्ट एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस में मिलेगा ही नहीं। अब देखिए, हमने शुरू में ये डिस्कस किया था वीडियो के कि आपने राहु का पॉजिटिव या नेगेटिव पहचानना है अकॉर्डिंग टू द कंजंक्शंस, कि राहु के साथ कौन सा प्लैनेट कंजंक्ट है उसके बेसिस पे आप पहचानेंगे। अब इसमें एक चीज मिस हो गई, अगर ये प्लैनेट मांदी है, मांदी या फिर गुलिका, अगर मांदी या गुलिका भी राहु के साथ कंजंक्ट है 12th हाउस में, जो आपने पॉजिटिव निकाले थे ना, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ राहु अगर कंजंक्शन की वजह से पॉजिटिव आ रहे थे, वो सब जीरो है। क्योंकि मांदी और गुलिका ये राहु के साथ मिलके ना बहुत नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। इस केस में मांदी की रेमेडीज करनी चाहिए, और मांदी की ना मेजर 99% लोगों को अपनी मांदी की प्लेसमेंट ही नहीं पता होती। मांदी की प्लेसमेंट के लिए आप मेरी वेबसाइट एस्ट्रो इंडिया पे जाइए, अपनी अपनी प्रीमियम कुंडली बनवाइए जिसमें आपको मांदी, गुलिका, बाकी भी उपग्रहों की एग्जैक्ट प्लेसमेंट मिलेगी। तो उपग्रह की भी हमें कंजंक्शन राहु के साथ कंसिडर करनी चाहिए 12th हाउस के अंदर। सो आई होप ये 7-8 मिनट की जो वीडियो है 12th हाउस राहु के बारे में, आपको इससे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक रिविजन के तौर पर मैं आपको तीन चीजें बता देता हूँ। फर्स्ट, आपने सबसे पहले राहु की कंजंक्शन चेक करनी है, राहु के साथ कौन से दूसरे ग्रह बैठे हुए हैं। जो ग्रह राहु के साथ बैठे होंगे उसी का रिजल्ट राहु देगा। उस केस में आप राहु की एग्जॉल्टेशन, राहु की डेबिलिटेशन कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ उस प्लैनेट की लेंगे, वो प्लैनेट के रिजल्ट राहु देगा। दूसरा, राहु अगर अकेला बैठ गया उसकी राशि देखिए, राशि का लॉर्ड किस स्थिति में बैठा है आपकी कुंडली में, उस पर डिपेंड करेंगे राहु के रिजल्ट। अब आपने जब रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव पहचान लिए, नाउ यू आर इन अ पोजिशन कि आप ये बता पाए ये राहु आप बाकी घरों पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। अगर पॉजिटिव राहु है हम गुमेट डालेंगे, अगर नेगेटिव राहु है हम राहु की रेमेडीज करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में जिनको अभी भी क्लियर नहीं है कि राहु को हम पहचानेंगे कैसे। बहुत से लोग राहु का 7th आस्पेक्ट लेते रहते हैं। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता 7th आस्पेक्ट राहु का इसलिए नहीं लेना चाहिए, 7th में हमेशा ही केतु बैठा है। अब बताइए राहु केतु के ऊपर इम्पैक्ट डाल के क्या उखाड़ लेगा। आपको ये बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी नहीं पता और आप कमेंट्स कर रहे हैं राहु 7th आस्पेक्ट देगा क्योंकि आपने कहीं पे पढ़ लिया है। दिस इज रबिश बुकिश नॉलेज विच यू आर गैदरिंग और इसका कोई फायदा आपको नहीं होने वाला अगर आप एस्ट्रोलॉजर बन भी जाएं इवन देन। सो 5th, 9th and 12th यानी कि राहु अपने पीछे भी एस्पेक्ट दे, राहु का जो पिछला घर है 12th में बैठा है 11th हाउस पे भी एस्पेक्ट देगा, ये आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। प्रैक्टिकली यू विल सी कितना ज्यादा आपको ये सही रिजल्ट देंगे। 12th हाउस में राहु है ना, जो वो 12th आस्पेक्ट देके 11th में आपको पैसे कमाने के लिए जोशीला बना देता है अगर पॉजिटिव बैठ, ये लोग समझेंगे ही नहीं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में जिनका 12th हाउस में राहु बैठा है उनके बीच में। और अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, आई विल शेयर माय 11 मोर वीडियोज ऑन राहु 11th, 10th, 9th, 8th, 7th अंटिल द 1st हाउस। आप इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइए इफ यू हैव लर्नड एनीथिंग राइट नाउ। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आई विल नॉट क्लियर इन द कमेंट्स, आप उसके लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं contact@astroindia.com पे ऊपर, या फिर आप मेरी कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर आपने अपनी कुंडली बनवानी है, गो टू माई वेबसाइट astroindia.com, अभी 75% ऑफ है। आई डोंट नो आप कब ये वीडियो देख रहे हैं, शायद तब ऑफ ना हो रहा हो। तो कुंडली बनवाइए, गुलिका मांदी जैसे ग्रहों की प्लेसमेंट भी देखिए, राहु के साथ मिल जाएंगे नेगेटिव बना देंगे ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने राहु का जेमस्टोन भी खरीदना है सर्टिफाइड ही खरीदिए, गुमेद बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट मिलता है, अच्छी लैब से सर्टिफिकेशन होगी तभी गुमेद का फ़ायदा है। और मेरी वेबसाइट पे एस्ट्रो इंडिया पे आपको हमेशा सर्टिफाइड स्टोन ही मिलेंगे। सो फॉर गेटिंग द बेस्ट क्वालिटी गुमेद, गो टू astroindia.com अभी, और वहाँ जाके अपने लिए चूज़ करिए गुमेद। अभी फ़िलहाल उस पर 33% ऑफ चल रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, धन्यवाद। एंड इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। डाउट्स के लिए ईमेल करिए।